दीपिका पादुकोण का साल 2023 काफी शानदार रहा। पिछले साल वो जवान पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में नजर आईं। इसके साथ ही इस साल की शुरुआत भी फाइटर के साथ हुई। इसमें उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर की है। अब वो जल्द ही कल की AD 2898 में नजर आएंगी। इसमें अमिताभ बच्चन और कमल हसन भी दिखाई देंगे। बॉलीवुड ही नहीं, साउथ में भी अब वो अपना सिक्का जमा रही हैं। साथ ही उनके पास रोहित शेट्टी की सिंगम अगेन है। ऐसे में अगर कहा जाए कि दीपिका की किस्मत के सितारे इस वक्त बुलंद चल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अब दीपिका पादुकोण लंदन में होने वाले बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में नजर आने वाली है। अवार्ड सीजन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट आ गई है, तो वहीं कुछ अवार्ड्स पहले ही दिए जा चुके हैं। अब बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स की बारी है, जिसका आयोजन लंदन में 18 फरवरी को होने वाला है। इसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल होंगी। वो इसमें डेविड बेकम से लेकर दुआ लिपा जैसे जाने माने सितारों को ज्वाइन करेंगी और बतौर प्रेजेंटर हिस्सा लेंगी। दीपिका के साथ द क्राउन स्टार एमा कॉरन और गिलियन एंडरसन, हिमेश पटेल और इदरीस एल्बा, शॉलबर्न स्टार बेरी केहोगन, मेस्ट्रो एक्टर ब्रेडली कूपर और कैरी मुलिगिन, ओपेनहाइमर एक्टर किलियन मर्फी और डायरेक्टर ग्रेटा ग्रेविंग, क्रिस्टोफर नोलन जैसे कई कलाकार इस अवार्ड फंक्शन में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अब तक ये बात साफ नहीं हुई है कि कौन सेलिब्रिटी किस कैटेगरी में अवार्ड देंगे, लेकिन द राइजिंग स्टार अवार्ड पहले विनर रहे एमा मैके और जेके ओकुनेल प्रेजेंट करेंगे। इससे पहले दीपिका पादुकोण ऑस्कर के मंच पर RRR के सॉन्ग नाटो नाटो के लिए अनाउंसमेंट प्रेजेंट कर चुकी हैं। वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस को अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिला है।